नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो पाठ है अर्थशास्त्र का, उसके दौरान जो 14 लेसन है वो पढ़ा। 14 लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आय, इनकम क्या होती है, इनकम की अवधारणा हमने पढ़ी। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा, पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित करने वाले योजना आयोग NDC और नीति आयोग के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। इसके साथ हमारा जो लेसन पूरा हो गया, इसके OBT प्रश्न मैंने दिए हैं, साथ ही जो लेसन के पीछे वाले प्रश्न हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने। आज हम इसी अर्थशास्त्र के अगले पाठ को पढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, उसको जानने से पहले एक शब्द आ गया आपके, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थ यानी धन और धन की व्यवस्था। धन की व्यवस्था क्या? जो हम आजीविका कमाते हैं, उस आजीविका से हमारे जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों को हम पूरा करके और फिर अपने लिए क्या सेविंग रखते हैं, वो सारा एक प्लान है, वो क्या है? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक लैंग्वेज में यानी अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में देखें तो देश में जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार और उपभोग, वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका उत्पादन कैसे होता, वस्तुओं का और सेवाओं का उनका व्यापार किस प्रकार से करेंगे और उनका उपभोग किस प्रकार से करेंगे, तो इन्हें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, उपभोग और इसके उत्पादन से जुड़े हुए जो विकासात्मक क्रियाकलाप है उन सबको हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक सेक्टर में यानी अर्थव्यवस्था सेक्टर में रखते हैं। इसको हम छोटे से उदाहरण के माध्यम से हमने जाना कि परिवार की आय है और परिवार की आय में किस प्रकार से हम क्या करते हैं? सभी खर्चों का वहन करते हैं। किस प्रकार से आय कमाते हैं, किस प्रकार से खर्चों का वहन करते हैं, वो सारा कुछ क्या है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी है। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी इकोनॉमिक सेक्टर में, लेकिन भारत ने धीरे धीरे अपने इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए योजना आयोग का निर्माण किया। योजना आयोग के साथ साथ कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार की विकास योजनाएं और जो उत्पादन के साथ साथ व्यापार आदि को बढ़ाने के लिए योजनाएं लागू की गई। और वर्तमान स्थिति देखें तो भारत ने काफी कुछ बदलाव, काफी कुछ परिवर्तन है वो आपके इकोनॉमिक सेक्टर में किया है। इसके अतिरिक्त हमने बात की कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमने पढ़ा था 1990 में एक बहुत ही योजना का बहुत ही ये बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आया था। क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों क्रियाएं आरंभ हो गई थी। और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ने पूरे भारत के अंदर औद्योगिक क्रियाओं के विकास के लिए, आर्थिक क्रियाओं के विकास के लिए एक नया जो अभियान है वो चलाया था, जिसके कारण भारत जो है आज अपने इकोनॉमिक सेक्टर को मजबूत कर पाया है। फिर भी हम जो भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता जिसको पढ़ने जा रहे हैं, दो प्रकार से अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता को देखते हैं, एक तो पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में देखें और नेगेटिव वे में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था है वो काफी कुछ सुधरी है, और नेगेटिव वे में यानी हम अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो भारत में बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या और संसाधनों के बीच में जो असामंजस्य है, रूढ़िवादिता है, शिक्षा की कमी है और स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त रूप से सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाना है, ये काफी कुछ कमियां है जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था है वो अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से पिछड़ी हुई है। तो इसमें कौन कौन से बिंदु हम जिसका अध्ययन
इस अविकसित अर्थव्यवस्था को जानने के लिए कर सकते हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले निम्न व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय, जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न है। कैसे है कि भारत में पूरा सेक्टर एक बड़े आय वाले क्षेत्र में काम नहीं करता है। भारत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में जो संलग्नता है उसमें सबसे ज्यादा संलग्नता है वो आपकी पहले क्रियाकलाप में है। कौन से में है? पहले क्रियाकलाप में। और पहले क्रियाकलाप में आय का स्तर है बहुत ही कम होता है। आज भी कृषि क्षेत्रों में भारत में लोगों का जो जनसंख्या का जमाव है या जनसंख्या का दबाव है वो सर्वाधिक है, जिसके कारण भारत में आय जो है वो अपेक्षाकृत कम है। और ये निम्न प्रति व्यक्ति आय है वो आपके अविकसित अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण है। इसमें देखा जाए आंकड़ों के अनुसार तो जीडीपी जो है भारत में 2015 के अनुसार 1590 अमरीकी डॉलर, 1590 अमरीकी डॉलर है, जो बहुत कम है। और इसके आधार पे हम देखें तो भारत का पूरे विश्व में 2015 में इसके आय के संदर्भ में 170वां स्थान था। कौन सा था? 170वां स्थान था। भारत है अमेरिका, भारत जो है कौन कौन से देशों से? अमेरिका है, आपके चीन है, जापान है, इन देशों से पिछड़ा है। साथ ही साथ आपके श्रीलंका से भी जीडीपी में भारत क्या है? पीछे है। जर्मनी आदि से तो है विकसित राष्ट्रों से, लेकिन भारत चीन से और हमारे श्रीलंका यानी पड़ोसी राष्ट्रों से भी क्या है? पीछे है। कौन से सेक्टर में? आपके अर्थव्यवस्था के सेक्टर में, यानी प्रति व्यक्ति आय के सेक्टर में। जिसका रीजन क्या है? जो प्राथमिक सेक्टर में ज्यादा लोगों का जमाव दबाव। जीवन स्तर में निम्न गुणवत्ता, जीवन स्तर में निम्न गुणवत्ता का मतलब क्या है कि भारत में जो है वो शिक्षा का और स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है, अब जो प्रतिशत है बहुत ही कम है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रतिशत कम होने का कारण, क्योंकि व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन पैसे का प्रयोग कब करेगा? जब उसका मस्तिष्क कार्य करेगा नई नई योजनाएं बनाने के लिए, और उसका स्वास्थ्य सही होगा तब व्यक्ति क्या करेगा? पैसे का उपभोग करेगा। अगर ये दोनों ही सही नहीं है तो व्यक्ति पैसे का उपभोग नहीं कर पाएगा, उसके कारण वह अपने आय में वृद्धि नहीं कर पाता है। और यही जीवन स्तर का जो स्वरूप है वो अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने का प्रमुख कारण है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य है वो दोनों ही, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है एचडीआई एसडीआई में आई है, आई पहले सूचक होता था लेकिन वर्तमान में क्या है, आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य अगर नहीं है तो हम मानव विकास की प्राप्ति नहीं कर पाते। और मानव विकास क्या है? जीवन स्तर की गुणवत्ता, क्योंकि विकास को गुणवत्ता से देखा जाता है। और मानव विकास क्या है? जीवन स्तर की गुणवत्ता। और जीवन स्तर की गुणवत्ता जब आएगी, जब अर्थव्यवस्था का विकसित सेक्टर होगा। और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में देखो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो आय के साथ साथ बहुत ही अच्छे प्रतिशत में होते हैं या उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। इस कारण से लोग है नवीनतम योजनाओं का निर्माण करते हैं। अब इसमें हम बात करें समीक्षात्मक रूप से तो भारत में 2011 के अनुसार जो जनगणना है उसमें 74.04% क्या है? साक्षरता है। 74.04% क्या है? साक्षरता है। और जो अपनी जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा ये कितनी है? 2014 के अनुसार आपकी 68 वर्ष है। अब आपके प्रश्न आ रहे हैं जीवन प्रत्याशा क्या है,
तो जीवन प्रत्याशा है जीवन जीने की औसत आयु, औसत आयु, जीवन जीने की औसत आयु। ये पहले भी मैंने इस बारे में बात की थी, मानव विकास जब पढ़ाया था, तो जीवन जीने की औसत आयु है वो क्या है, जीवन प्रत्याशा है। और जीवन प्रत्याशा भारत में कितनी है, 68 है, और जो अपेक्षाकृत कम है जापान जो देश है उसमें सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा है वो कितनी, 85 है। और जीवन प्रत्याशा किसको बताएगी, जीवन जीने के यानी स्वास्थ्य सुविधाओं को बताएगी, यानी स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है तो व्यक्ति की औसत आयु भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और औसत आयु ज्यादा है इसका मतलब वो देश विकसित है, यानी हम विकसित और विकासशील देशों की बात करें, जो जिन देशों में वृद्ध और प्रौढ़ ज्यादा है वो देश क्या है, विकसित है। जिन देशों में बालक जनसंख्या ज्यादा है और वृद्ध जनसंख्या ज्यादा है वो कैसा है, विकसित देश है। जिसमें बाल जो कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है वो कैसा है, विकासशील देश है, जैसे भारत है। अब आता है गरीबी की समस्या, तो गरीबी की समस्या भारत में है और इसके दूर करने के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाओं में पढ़ा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना से गरीबी दूर करने के प्रयास आरंभ हो गए थे, लेकिन भारत में संसाधन उत्पादन की जो व्यवस्था है उसकी एक सही स्थिति नहीं होना और जनसंख्या का बड़ा स्वरूप है, इस कारण से गरीबी जो है भारत के एक भारत की एक मुख्य समस्या बनकर रह गई है। कौन, गरीबी। अधिकांश जो लोग हैं वो अपने पोषण की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, अधिकांश लोग हैं वो अपने मूलभूत आवश्यकता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और यही तो क्या है, गरीबी है। वंचित रहने की अवस्था क्या है, गरीबी है। और भारत में जो गरीबी के लिए जो तेंदुलकर रिपोर्ट आई, सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट, इस सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वो कितना है, 26.9% है, जिसमें आपके 21.65% है वो ग्रामीण है और आपके 5.28% है वो क्या है, नगरीय है। 5.28% क्या है, नगरीय है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आपके गरीबी का प्रतिशत ज्यादा है नगरीय क्षेत्रों की तुलना में, क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। और वैसे कितना है, 26.9% है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है इस गरीबी को दूर करने की, और इस गरीबी को दूर करने के लिए कई प्रकार की गरीबी उन्मूलन की योजनाएं चलाई जा रही है, जिन योजनाओं में आपके अंत्योदय योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपके जो स्वरोजगार ऋण योजना है, महिला और बाल विकास योजना है, आपके नरेगा है, कई प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से ही सरकार है, एक्टिव है, लेकिन ये स्थिति समस्त क्षेत्रों के लिए एक समस्या है, तो समस्त क्षेत्रों की समस्या को पर्टिकुलरली दूर करने में काफी कुछ समय लग जाएगा। तो ये रूपरेखा है वो भारत की जो गरीबी है वो अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। इसके अलावा अभी मैंने बताया इस चीज को तो कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता इसलिए है क्योंकि वर्तमान सत्र देखे 2011 के अनुसार तो 68% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, 68% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो 72% लोग हैं उनकी भागीदारी थी इसमें आपकी कृषि क्षेत्र में, लेकिन अब है 68% लोग निवास करते हैं और लगभग 49% के लगभग लोग हैं वो कृषि कार्यों में संलग्न है। अब इन क्षेत्रों में देखो अधिकांश लोग हैं वो बाहर निकले और दूसरे सेक्टर में काम करने लगे। अब जीडीपी जो परिवार की है, परिवार की जो आय है, उस परिवार की आय में अन्य जो सेक्टर है, अन्य सेक्टर का प्रतिशत बढ़ा है और कृषि का प्रतिशत क्या हुआ है, कम हुआ है,
लेकिन कृषि क्षेत्रों में दबाव है वो जनसंख्या का बना हुआ है। तो कृषि क्षेत्रों में दबाव बना हुआ है, कृषि क्षेत्रों में निर्भरता बनी हुई है, इस कारण से आमदनी है वो कम है, और आमदनी कम है तो देश की आय है वो क्या है, कम है, और देश की आय है वो हमारी पिछड़ी अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण है। तो ये जो स्थिति है, हालांकि काफी जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर रोजगार भी कर रहे हैं, लेकिन कितने जो परिवार के 10 सदस्य हैं तो 10 में दो चले गए। इसी प्रकार गांव में 100 परिवार हैं तो लगभग 200 लोग बाहर चले गए। 100 परिवार है तो एक परिवार के 2 लोग गए तो 100 परिवार के लगभग 200 लोग क्या है बाहर चले गए। अब हम बात करते हैं 200 लोगों में जो अब अपने पास रह गए कितने, 100 परिवार है तो 100 परिवारों में आपके 1000 में 200 चले गए, 800 रह गए वहां पे। अब 800 लोग यानी 80% का आंकड़ा तो उस कृषि क्षेत्र के ऊपर क्या है निर्भर हो गया ना, उसके ऊपर जो वास्तविक रूप से है। और ये लोग कमा के ला रहे तो जीडीपी में तो बढ़ गया, जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन कृषि क्षेत्रों में दबाव आज भी बना हुआ है। और वर्तमान में भी जो बदलाव है वो कम देखने को मिल रहा है, यानी गैर कृषि कार्यों में जो लोगों का बदलाव है या प्रतिशत बढ़ने की स्थिति है बहुत ही कम देखने को मिल रही है। ये भी क्या है, अविकसित अर्थव्यवस्था का कारण है। जनांकी के कारण, देखो जनांकी की एक शब्द आ गया, जनांकी की क्या होता है, जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या का वैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार पर और जनसांख्यिकी आधार पर, वैज्ञानिक या जनसांख्यिकी आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वही जनांकिकी है। सीधी सी बात है कि जनसंख्या जो हमारी है, इस जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करना, जनसंख्या किस क्षेत्र में है, कि कैसी है, लिंगानुपात क्या है, नगरीय जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण क्या है, तो इन समस्त जनसंख्या के प्रतिरूपों की जानकारी प्राप्त करना यही क्या है, जनांकी के कारण है। ये क्या है, जनांकी के कारण है। और जनांकी के कारण है वो हमारे भारत में क्या है, विपरीत है। कैसे है कि भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, भारत में मृत्यु दर है, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ऐसी जो विकट समस्या है लगातार बढ़ रही है। लिंगानुपात में जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिल रहा है, लिंगानुपात है वो असमान है, वो लिंगानुपात, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ये सारी जो परिस्थितियां है वो हमारी जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि को और जनसंख्या की गुणवत्ता की न्यूनता को बता रही है, यानी निम्न गुणवत्ता को बता रही है। और यही स्वरूप है वो हमारी अर्थव्यवस्था में जो अविकसित रूप है उसको प्रदान करने का प्रमुख कारण माना जाता है। कौन सा, जनांकिकीय कारक। जनांकिकीय कारक में देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था के दौरान हम आंकड़ों में देखें तो 2011 के अनुसार जो हमारी जनसंख्या 121 करोड़ है, जो 2001 में 102 करोड़ थी, 2011 में कितनी, 121 करोड़, यहां 17.64% क्या है दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। और बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसकी जो जनसंख्या है उतनी तो भारत में है, वो दशकीय रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। ये वृद्धि है और ये वृद्धि क्या करेगी, जैसे कि गांधी जी ने कहा कि वर्तमान की जो जनसंख्या वृद्धि है वो संसाधन और जनसंख्या के क्षेत्र में एक बड़ा अंतर, बड़ी खाई उत्पन्न कर देगी जो भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये जनसंख्या जो वृद्धि है वो संसाधन और जनसंख्या के बीच में एक बड़ा अंतर है और यही कारण है कि भारत का विकास नहीं हो पा रहा। इसके अलावा बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी जो है एक मुख्य समस्या है। और क्यों है, अभी मैंने पहले बताया, क्योंकि संसाधन हमारे पास में नहीं है, तकनीकी हमारे पास में नहीं है,
और जनसंख्या हमारे पास में बहुत है, इस कारण से बेरोजगारी की समस्या है। इसमें कुछ बेरोजगारी जो छिपी बेरोजगारी प्रश्न आ सकता है, छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं गुप्त बेरोजगारी, छिपी प्रच्छन्न गुप्त बेरोजगारी। ये जो बेरोजगारी की जो समस्या है इसमें हम बात करें कि छिपी बेरोजगारी वो बेरोजगारी है कि व्यक्ति जो है वो रोजगार में तो लगा दिखाई देता है, रोजगार में तो लगा दिखाई देता है लेकिन देता है लेकिन व्यक्ति को उस रोजगार से व्यक्ति को लाभ होता है लेकिन उत्पादन में कोई लाभ नहीं होता है, उत्पादन में लाभ नहीं होता है और व्यक्ति को भी ज्यादा लाभ नहीं होता है। जो मालिक है जो उनको रोजगार प्रदान करता है उनको भी कोई परेशानी नहीं आती है क्योंकि काम है 5 लोगों का, वेतन है 5 लोगों का, काम पे रख रखे हैं 10 लोग, 5 का वेतन 10 में जा रहा है तो उनको क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है लेकिन जो है 5 लोगों का वेतन 10 में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेरोजगारी कौन सी है, छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी, यानी रोजगार में तो लगा दिखाई देता है व्यक्ति लेकिन उसको आमदनी जो है वो ज्यादा प्राप्त नहीं होती है और उत्पादन में भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, ऐसी बेरोजगारी जो आपकी कौन सी है, गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में अधिकांश जो ये दो समझ में आ गया ना, गुप्त बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जिसमें कम व्यक्तियों की जगह ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं और वेतन है उन व्यक्तियों का जो कम की आवश्यकता है ज्यादा में डिवाइड हो जाता है और वेतन श्रृंखला भी क्या है टूट जाती है, साथ ही साथ उत्पादन में कोई बदलाव नहीं आता है, 5 व्यक्ति बढ़ा रहे हैं 10 व्यक्ति बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमारे पास में संसाधन उतने, वे 20 वस्तुएं बढ़ानी है 5 लग रहे थे 10 बनाएंगे 10 भी 20 ही बनाएंगे और 5 भी 20 ही बनाते, ये रूपरेखा है। इसके बाद हम बात करें पिछड़ी हुई तकनीक हमारे पास में है, देखो कितने भी सेक्टर देख लो, चाहे चीनी उद्योग है, चाहे आपके कपड़ा उद्योग है, चाहे आपके लोहे इस्पात उद्योग है, जितने भी उद्योग देख लो सभी उद्योगों में हमारे पास में पुरानी मशीनें पिछली तकनीकी है जो इन उद्योगों के विकास में बाधा है और यह बाधा जो है वो क्या करती है, उत्पादन उत्पादन स्तर में भी क्या करती है, कमी कर रही है, गुणवत्ता में भी क्या ला रही है, कमी ला रही है और ज्यादा मात्रा में क्या है जो कच्चा माल है उस कच्चा माल है उसको क्या कर रही है, वेस्टेज कर रही है और यह जो क्रिया है वो अर्थव्यवस्था के सेक्टर में देखे तो मान लो कोई वस्तु है अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है और मशीन अच्छी है तो वस्तु की लागत 5 रुपए आनी चाहिए, वहां लागत 8 रुपए 10 रुपए आ रही है, 10 रुपए या 8 रुपए आ रही है तो वहां 5 रुपए लागत आनी चाहिए थी, गुणवत्ता अच्छी रहनी चाहिए थी लेकिन वहां लागत 8 रुपए 10 रुपए आ रही है तो लागत बढ़ गई, वस्तु कम उत्पादित हुई तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में हमारे उत्पादन जो स्तर है उसमें कमी आ रही है और हम ज्यादा मात्रा में व्यापारिक क्रियाओं का संपादन नहीं कर पाते हैं, लोगों की मांग की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें बाहर से हमें आयात करना पड़ता है और ये हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या एक दबाव उत्पन्न करता है, क्या करता है, अर्थव्यवस्था पे दबाव उत्पन्न करता है। मानव विकास में व्यापक असमानता अभी हमने पढ़ा, शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है और जो आपकी आय का स्तर है ये अलग अलग है और सभी क्षेत्रों में एक नहीं है, सभी क्षेत्रों में अलग अलग है और यह असमानता है वह भी विकास में बाधा है, आर्थिक जो विकास है अर्थव्यवस्था का विकास है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। अब आती कमजोर आपकी आधारभूत संरचना है, अब मानव विकास की बात करें तो आपके आंकड़ा दिया हुआ भी है कि 2015 में 130वां स्थान था भारत का SGI में, 130
तीसवा स्थान था किसमें, एसजीआई में वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जबकि हमारे जो पड़ोसी है श्रीलंका है, श्रीलंका का स्थान है वो कौन सा था, 73वां स्थान था। कौन सा था, 73वां स्थान था। क्यों, क्योंकि वहां जो जीडीपी है, वहां की गुणवत्ता है वो थोड़ी क्या है, भारत से ज्यादा अलग है, और इसका कारण है भारत का जनसंख्या का बड़ा स्रोत और संसाधनों के और जनसंख्या के बीच में एक अंतर। आधार संरचना या कमजोर आधार संरचना क्या है, तो ये जो आधार संरचना है वो वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है कि वस्तुएं और सेवाएं हैं वो कितनी मिल पा रही है, उपलब्धता को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। और वस्तुएं और सेवाएं हमारे क्षेत्र में, वस्तु और सेवाएं कब मिल पाएगी, जब हम ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर पाएंगे, हमारे पास में अच्छी तकनीक होगी, और अच्छी तकनीकी होगी हमारे पास में समानताएं होगी मानव विकास की, तब हम इन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएंगे। और भारत देश है, इसमें काफी कुछ आधारभूत संरचना या आधार संरचना है, उसमें निम्नता देखने को मिली है, कमजोर आधार संरचना भारत में देखने को मिली है, जिसका कारण है कि भारत में एक तो क्या है, निम्न उत्पादकता है, निम्न उत्पादकता है, और यानी निम्न उत्पादकता यानी उत्पादन जो क्षमता है बहुत कम है, और जो लागत है उत्पादन की वो ज्यादा है, उत्पादन की लागत क्या है, ज्यादा है, और निम्न क्या है, उत्पादकता है, और उत्पादन की जो वृद्धि है, उत्पादन की वृद्धि है वो क्या है, धीमी है। ये तीन कार्य है, एक तो निम्न उत्पादकता, एक लागत जो है उत्पादकता की वो बहुत ही ज्यादा है, और वृद्धि है वो कैसी है, उत्पादन की धीमी है, ये सारे कारण है वो हमारे कमजोर आधारभूत संरचना के कारण है। इसके कारण आपके जो भी सेक्टर है, जो भी निर्माणात्मक सेक्टर है, उन सेक्टरों में प्राय जो है पिछड़ापन दिखाई देगा। अब बात करते हैं सामाजिक असमानता है। अब सामाजिक असमानता है तो सीधी सी बात है, इस इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में, इतने बड़ी जनसंख्या स्वरूप में सामाजिक असमानता है कि क्यों आएगी, क्योंकि भारत में कई प्रकार के वर्ग है, कई प्रकार के जाति संप्रदाय है, कई प्रकार के धार्मिक संप्रदाय है, और विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक स्वरूप है वो भारत में है, और उन क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो निर्माण की जाती है और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, इस कारण से यहाँ पे प्राय असमानता देखने को मिलती है, और ये समानता अर्थव्यवस्था के विकास में क्या है, बाधा उत्पन्न करती है। तो सामान्य सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी कैसे है, उस पिछड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये कारक है वो जिम्मेदार है। समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, जीवन स्तर में गुणवत्ता कम है, गरीबी की समस्या यहाँ पर है, कृषि पे ज्यादा लोग है वो निर्भर है, जनांकी के कारक मतलब जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, और जनसंख्या वृद्धि है वो संसाधनों को प्रभावित करेगी, बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है, पिछड़ी हुई तकनीक है हमारे पास में, मानव विकास की असमानता या देखने को मिलती है, और जो आधार संरचना है भारत की वो कमजोर है, साथ ही साथ सामाजिक असमानता भारत में देखने को मिलती है। इस सारे के सारे सेक्टर है वो भारत की अर्थव्यवस्था में जो विकास में बाधा के प्रमुख कारण है, इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे सामने आती है। तो विद्यार्थियों, हमने एक बिंदु यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है 3-4 नंबर का, तो हमने अविकसित अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप यानी नेगेटिव विशेषता है उसकी जानी। अब विकसित अर्थव्यवस्था में भारत का क्या स्वरूप है, कौन कौन से ऐसे कार्य है, कौन कौन से ऐसे बिंदु है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हमें हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं, इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।